Hey everyone, a very warm welcome to all of you to Tandon Classes. This is Yashika Tandon presenting your very important video. जिसमें हम बात करने वाले हैं UPSC EPFO 2017 के पेपर में जो आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में. ये वीडियो फर्स्ट है क्योंकि पहली वीडियो इसके दो या तीन पार्ट्स आएंगे जिसमें हम सारे जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं इन पेपर्स में पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे. अगर आपको इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं आता है सो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. क्योंकि जिनको इकोनॉमिक्स आती होगी उनके लिए ये जो क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी पूछे गए थे, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे UPSC EPFO 2017 के पेपर में. तो मैं ये एज्यूम करके चलूँगी कि आपको कुछ नहीं आता इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इसी तरीके से आपको समझाया जाएगा. देखो ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली सबसे पहले जानो कौन से टॉपिक में से पूछा गया था. ये जो टॉपिक था इकोनॉमिक्स का ये आपका था मार्केट्स, राइट. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मार्केट्स की नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है. मार्केट्स होता क्या है, अगर हम एक जनरल लाइफ में बात करते हैं मार्केट मतलब क्या होता है, जिसके बारे में अगर बात करें कि जहाँ पे चीज़ें बेची और ख़रीदी जाती है. जैसे आप सब्जी मंडी जाते हो, वहाँ पर आप सब्जियाँ ख़रीदने जाते हो और आपने सब्जी ली दुकानदार से, ठीक है, आप क्या हुए, आप हुए जी बायर, और जो दुकानदार आपको बेच रहा है वो क्या हो गया, सेलर, ठीक है. जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज जो हैं बेची और ख़रीदी जाती हैं हम उनको मार्केट बोल देते हैं, ठीक है जी. बट इकोनॉमिक्स में इसको एक अलग तरीके से देखा जाता है. कैसे देखा जाता है, टर्मिनोलॉजी यही होती है, सब बातें वही होती है, बट इसको हम थोड़े से अलग तरीके से समझेंगे. देखो मार्केट्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में ये बात बोली जाती है कि मार्केट्स मतलब क्या है, जहाँ पे चीज़ें गुड्स या सर्विसेज. सर्विसेज मतलब क्या है, जैसे डॉक्टर आपको जो है सर्विस दे रहा है, आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, रेस्टोरेंट में जाते हो आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, अमेजोन से आप ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर लेते हो, जोमेटो से आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, दीज आर द सर्विसेज ऑल्सो, राइट. ये सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, ओके. आपको नेट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट ISP के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको बोला जाता है, राइट. तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं और जहां पे नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं. जो बायर मतलब क्या है, जो खरीदेगा, और सेलर मतलब क्या है, जो इस चीज को बेचेगा. बट यहां पर एक चीज बोली गई है कि मार्केट का मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकल प्लेस हो जहां पे ये चीजें खरीदी जा सके या बेची जा सके. अब आप कहेंगे कि ये तो मैम आपने एकदम उल्टा ही कर दिया बात, है ना. तो चलो इसको हम जनरल लाइफ में समझते हैं. आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स बहुत बार कहते हैं, कोई भी डिफरेंट पर्सन आपने सुना होगा, यार हमारा मार्केट तो बड़ा लो चल रहा है ना, हमारे हमारे काम में बिल्कुल भी जो है पर्टिकुलरली पैसा नहीं है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहा है, जैसे एजुकेशनल एक अलग इंडस्ट्री है, राइट, उसी तरीके से रेस्टोरेंट एक अलग इंडस्ट्री है, खाने वाली एक अलग इंडस्ट्री है, और फोन ऑटोमोबाइल्स ये सारी अलग इंडस्ट्रीज हैं. इन सब चीज़ों को मार्केट्स बोला गया है, जहाँ से पैसा अर्न किया जाता है. अब आपको मार्केट्स का मीनिंग समझ में आ गया, आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई होगी. अब जानो कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स में वैसे बेसिकली चार तरीके की मार्केट्स को कंसिडर किया जाता है, यानी कि चार तरीके से मार्केट्स को कैटेगराइज किया जाता है. सबसे पहली आती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, राइट. दूसरी आती है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, जो आपसे पूछी गई थी, ठीक है. अब इन दोनों का मतलब समझते हैं, ये दोनों सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है, आपको समझ में आ जाएगा. अगली दो भी बताती हूँ, पहले ये समझो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब क्या होता है. देखो सबसे पहले आपको इसका नेम ही बता रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है. अब बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केट की, एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं. देखो जब आप एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में बात करते हो तो एग्रीकल्चर मार्केट में सारे लोग जो हैं, जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, वो सेम तरीके के प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं. मतलब कैसे,
कोई ऐसा तो है नहीं कि बैंगन इंडिया में अगर कोई जो है नीला बेच रहा है तो दूसरा कोई कोई और किस्म का बैंगन बेच रहा होगा, नहीं ना, सारे सेम तरीके की सब्जियां बेच रहे होते हैं। तो क्या ऐसे चांसेस हैं कि सब में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा? अगर आप एक शॉप खोल के बैठे हो और आपके सामने 10 शॉप सेम वैसी ही खुल जाएं जो सेम तरीके के प्रोडक्ट बेचें, तो आप सब में कंपटीशन होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरीके से एग्रीकल्चर मार्केट जो है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ऐसी मार्केट जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स जो बेचने वाले होते हैं और नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी, मतलब 100+ होते हैं, राइट, 100 मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। और अगर ये लोग सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी कि एक जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इसको बोला जाता है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। क्या बोला जाता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब होता है सेम तरीके के प्रोडक्ट्स। जैसे सब्जी बेच रहे हैं तो सारे ही सब्जी बेच रहे हैं ना, ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई आपको कोई बढ़िया दे रहा है। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर एक और चीज़ होती है जो आपको याद रखनी है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, ठीक है, इसमें जो है सारी फर्म्स मिलकर, मतलब जो भी यहाँ पे है वो एक ही प्राइस जो है डिसाइड करती है। क्योंकि देखो, अगर सामने वाला जो फर्म है उस कंपटीशन में रहती है, तो अगर वो 600 रुपये की कोई चीज़ दे रहा है, सामने वाला आपको 500 रुपये की देगा, आप कौन सी लोगे? 500 वाली लोगे ना। तो इसी तरीके से पूरी जो मार्केट में जो आपका प्राइस डिसाइड होता है वो सारी फर्म मिलके करती हैं। ये तीन बातें अभी आपको याद रखनी है, जब मैं मार्केट्स के बारे में आपको करवाऊंगी इकोनॉमिक्स में, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जिसके ऊपर हमारे ये क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे, वो क्या था? देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होती है? ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे बहुत सारी छोटी मोटी फर्म्स जो होती हैं या बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट बेचती हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मतलब उनके प्रोडक्ट में हल्का सा डिफरेंशिएट होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करती हूँ, अगर आप रेस्टोरेंट्स के बारे में बात करते हो, रेस्टोरेंट्स और एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है बताओ? रेस्टोरेंट्स में जो डिशेस दी जाती हैं, ठीक है, हो सकता है कि सबकी डिशेस सेम हो, बट हर एक रेस्टोरेंट की अपनी स्पेशलिटी होती है, टेस्ट अलग होता है, प्रेजेंट करने का वे अलग होता है, सर्विसेज अलग होती हैं, जहाँ पे आप बैठते हो एरिया एनवायरनमेंट अलग होता है, तो वो एक दूसरे से हमेशा अलग होंगे। और आप ये भी देखोगे, कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होता है, राइट। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट होता है, इसमें जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं वो होमोजीनियस नहीं होते हैं, राइट, वो अलग होते हैं और ये डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट जो है वो बेचता है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर में क्वेश्चन में देखें, ठीक है जी, यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, ए पूछा गया था, ऑप्शन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, सेलर्स हैं इन द मार्केट में, ओके, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में भी कॉम्पिटिशन रहता है, लार्ज नंबर ऑफ हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट, ऑब्वियसली बात है कि जो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट, अभी आपको बताया कि डिफरेंशिएट होते हैं, अभी आपको बताकर रहती थी कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि होमोजेनियस हो। यस, दिस इज रॉन्ग, ये आपका आना था परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स जो हैं वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट जो था वो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना, तो यहाँ पर सी था। अब देखो, आपको थोड़ी बहुत पॉइंट्स पता थे तो आपने इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया, और इस क्वेश्चन में आपसे कोई खास बात जो है नहीं पूछी गई थी, राइट। अब जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए भी मोनोपोली मार्केट क्या होता है, मोनोपोली, राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये ऐसा मार्केट होता है जिसमें एक ही फर्म होती है, ओनली वन फर्म, ठीक है, जो जिसका 25% शेयर एटलीस्ट हो पूरे मार्केट का। अब जैसे मोनोपोली मतलब क्या है, जैसे 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, उन्होंने अपने मोनोपोली तो की थी ट्रेड में,
राइट धीरे धीरे मोनोपोली तो करना चाहती थी वो कि वही ट्रेड करे और कोई ट्रेड ही ना करे. ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे जब आपके सिलेबस में है. सो सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके इकोनॉमिक्स में पूछे जा रहे हैं. आगे भी आपको क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगी वो भी बड़े इजी से हैं. ऐसे करके हम कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए तभी आपको पता चलेगा कि आपको इकोनॉमिक्स में कितना डीप जाना है कितना नहीं. ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक्स आने चाहिए क्योंकि बेसिक्स से ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. बेसिक्स आपके मजबूत होने चाहिए. कौन कौन से बेसिक्स, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. कंज्यूमर बिहेवियर वाला काफ़ी चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप NCERT भी पढ़ लेना तो आपका काम हो जाएगा, राइट. और मार्केट्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट्स एंड इट्स टाइप्स, राइट. इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारे चैप्टर्स जो होते हैं ना इकोनॉमिक्स के, ये होते हैं. जैसे प्लस वन प्लस टू या आप NCERT भी पढ़ लो तो आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे. अंडरस्टैंडिंग से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे आप क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगे, आपको भाई बहन जैसे लगेंगे. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है डू सब्सक्राइब माई चैनल. आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे.